अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाएं पीएमवाईटी कोड और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट। पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, तो ध्यान रखिए पीएमवाईटी कोड लगाना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से रिलीज की गई है। वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। 261 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है। जिनकी एक बार यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। सीनियर शिप ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, वेल्डर कम फिटर की पोस्ट है। साथ ही गाइस यहाँ पे फिटर की भी पोस्ट है और शिपराइट वर्कर वुड की भी पोस्ट यहाँ पे गिवन है। 261 टोटल वैकेंसीज हैं गाइस, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे गिवन है। पे स्केल भी आप लोग देख लीजिए, W7 पे स्केल के अंदर कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं और W6 पे स्केल के अंदर कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे आ रही हैं। आगे देख लेते हैं गाइस, बात करेंगे यहाँ पे कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट यहाँ पे 6 जून रहने वाली है। 14 मई से आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 14 मई से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, 6 जून लास्ट डेट रहेगी। पे स्केल की बात करेंगे तो W6 के लिए यहाँ पे जो आपका पे स्केल है वो 22,500 से लेकर के 73,750 तक रहेगा। एंड W7 की बात करेंगे तो 23,500 से लेकर 77,000 तक आपका पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है। आगे देख लेते हैं गाइस, बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सीनियर शिप ड्राफ्टमैन के लिए आप लोगों ने 3 ईयर का अपना यहाँ पे डिप्लोमा कम्प्लीट किया इंजीनियरिंग के अंदर रिलेवेंट ब्रांच के अंदर, जिसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे उस रिलेवेंट इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर आप लोगों ने अपना 3 साल का डिप्लोमा कम्प्लीट किया हो विद मिनिमम 60% मार्क्स। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे तो सेम ही आप लोगों ने अपना जो 3 साल का डिप्लोमा है वो इंजीनियरिंग के अंदर कम्प्लीट किया हो फ्रॉम ए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिक्योरिंग मिनिमम 60% मार्क्स। जिस भी रिलेवेंट ब्रांच के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसी ब्रांच में आप लोगों ने इंजीनियरिंग अपनी कम्प्लीट की होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल की। तो आप लोगों ने यहाँ पे बीएससी केमिकल से किया हो, मतलब बीएससी कंप्लीट किया हो इन केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की बात करेंगे, ग्रेजुएशन आपने अपनी कंप्लीट की हो, साथ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। आगे देख लेते हैं, जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट की बात करेंगे तो 3 ईयर का आप लोगों का यहाँ पे डिप्लोमा आप लोगों ने कम्प्लीट किया हो इन कमर्शियल प्रैक्टिस फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिक्योरिंग मिनिमम 60% मार्क्स, यानी मिनिमम 60% मार्क्स तो आपसे यहाँ पे मांगे ही गए हैं। असिस्टेंट की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री आप लोगों ने यहाँ पे अपनी कम्प्लीट की हो, यहाँ पे आप लोगों ने आर्ट्स के अंदर की हो, साइंस के अंदर, कॉमर्स के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर विद मिनिमम 60% मार्क्स। आगे देख लेते हैं, फिटर की बात करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे 10th पास किया हो, आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना चाहिए, यानी 10th पास विद आईटीआई आप होने चाहिए यहाँ पे। कौन सी ट्रेड में? तो वेल्डर की ट्रेड के अंदर आप लोग यहाँ पे आईटीआई आप लोगों ने यहाँ पे आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट हो। शिपराइट वुड की बात करेंगे तो सेम ही आप लोगों ने 10th पास किया हो, साथ में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए इन दी रिलेवेंट ट्रेड, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स बताई गई है एंड इसका क्राइटेरिया एंड इसके अंदर रिलैक्सेशन भी गिवन है, तो इसको चेक कर सकते हैं गाइस। अब आप लोग अप्लाई कहाँ से करेंगे? तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग coachinshipyard.in पे जाकर के अप्लाई करेंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ ही गाइस यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपीज फीस पेमेंट रहने वाला है और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस पेमेंट यहाँ पे नहीं रहने वाला है। होप सो गाइस सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए पीएमआईटी कोड का यूज कर सकते हैं। पीएमआईटी कोड जितनी भी कैटेगरी अकेडमी आपके ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीपीएस, स्टेट पीएससी, यूजीसी, नेट, आईआईटी, जेईई। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए पीएमआईटी कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।